के पास जो नहीं, हमने बार 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 सिक्का का मुंह दिखाया है। आखिर कब कब हिंदुस्तानी सरहद पर हम अपनी फतेह का झंडा लहराएंगे? आखिर कब कब हमें मिलेगी फतेह? ये तुम जैसे बुजुर्गों से कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे अपनी चीनी दादियों की मदद लेनी पड़ेगी। अरे नहीं जनाब, रुकिए, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हिंदुस्तान का जरा जरा काम उठेगा, जरा जरा काम उठेगा। आइए मैं प्लान बताता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तानी भाइयों की चिट्ठी आती है और क्या दृश्य होता है, आइए देखते हैं। भाइयों भाइयों, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, चिट्ठी। हो पर जा रहे हैं, अब यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। पानी पानी पानी, 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 कौन हो तुम, क्या हो तुम्हें? कौन हो तुम, क्या? चल निकालता हूँ आज तेरा पानी। जवानों, हमारा एक सैनिक आतंकियों की गिरफ्त में है, उसे बचाने का मौका मुझे दीजिए सर। नहीं, हमने पहले ही अपना एक आतंकी खो चुका है। माना कि किस्मत ने हरा दिया सर, मगर इतने भी गुनहगार नहीं है हम। किले मारे एक सिपाही के बदले का इसके भी हकदार नहीं है हम। अच्छा ठीक है, जाओ, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा सर। ठीक है, जाओ। आह 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 आह
मेरी एक तमन्ना है सर कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई ऐसी शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी नाम आए शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। दोस्तों, एक शहीद हुए जवान के घर की क्या दशा रही होगी, उसके माँ की क्या दशा होगी, उसके पिता की क्या दशा होगी, उसके पत्नी की क्या दशा होगी, उसके बेटे की क्या दशा होगी, आइए देखते हैं। माँ माँ, दीपावली की छुट्टी हो गई, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? माँ माँ, दीपावली की छुट्टी हो गई, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? माँ माँ माँ, दोस्तों, दीपावली की छुट्टी हो गई, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? माँ, दोस्तों, इन जवानों के लिए कोई दिन दीपावली नहीं होती, कोई दिन दशहरा नहीं होता, कोई दिन होली नहीं होती, बस ये अक्सर शहीद हो जाते हैं और इस देश की सेवा करते हैं। इस छोटे बालक को क्या पता कि मौत क्या होती है, ये तो बस अपनी माँ से इतना ही पूछता है। चारों तरफ उजाल पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाल पर अंधेरी रात थी, वो जब हुआ शहीद कल रात की ही बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। दोस्तों, बेटा अपनी माँ को देखता है और माँ से प्रश्न करता है, माँ तूने क्यों ना आज भी बिंदिया लगाई है, माँ तूने क्यों ना आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सुनर सा लगता है श्रृंगार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, अपने मित्रों के पापाओं के लाए हुए उपहारों को देखता है और घर वापस आकर अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे भी लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तू बता दो क्यों है सुना आंगन घर द्वार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। दो दिन हुए हैं तूने कहा नींद सुनाई, दो दिन हुए हैं तूने कहा नींद सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, न तुमसे बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ है कि बताने से है इनकार, दीपावली में क्यों ना आए पापा आपकी बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा आपकी बार। और दोस्तों, विडम्बना तो देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, और पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। दोस्तों, वो बेटा एक बार अपने पिता की लाश को देखता है, एक बार अपनी माँ को देखता है, पुनः अपने पिता की लाश को देखकर अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। और वहां के कमांडर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अंधों को दर्पण देना क्या, अंधों को दर्पण देना क्या,
अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्त पान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या, हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आग दिखा बैठे, हमने जिनको दो आंखें दी वो हमको आग दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रंग श्वेत कबूतर का बैठे, वो चल पे चल करता रहा, वो चल पे चल करता आया हम अड़े रहे विश्वासों पर, वो चल पे चल करता आया हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर, अब लाशें भी बोल उठी मत अंतर दुश्मन जो समझ सके उस भाषा में अब बात करो, वो जारी है हम पतझड़ हैं, वो जारी पतझड़ हैं, वो है बबूल हम चंदन हैं, वो है जमा गढ़वाली हम सिंहों का अभिनंदन है, बेपाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, बेपाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये यमन सनातन माटी है ये कभी नहीं मरने वाली, तुम भूल गए सने 48 पैदा होते ही अकड़े थे, तुम भूल गए सने 48 पैदा होते ही अकड़े थे, उनका वायली बकरों की गर्दन हाथों में पकड़े थे, तुम भूल गए कारगिल कारण हिमगिरी पर लिखी कहानी थे, तुम भूल गए कारगिल कारण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी, उन इस्लामाबादी गुंडों को याद दिलाई नानी थी, तुम सारी दुर्गति भूल गए, तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो, है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे हो, बिगड़ैल किसी के बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं, बिगड़ैल किसी के बच्चे जैसे अलाप तुम्हारे लगते हैं, तुम भूल गए रिश्ते में हम बात तुम्हारे रखते हैं, तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे, भारत माता के सीने में जेहाद नहीं होने देंगे, तू रख हथियार उधारी के हम अपने दम पर लड़ लेंगे, तू रख हथियार उधारी के हम अपने दम पर लड़ लेंगे, अगर एटम बम से लड़ता है तो एटम बम से लड़ लेंगे, जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे, जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे, जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे, यही कथन सारा वाम कहे अगर फिर से याद दिखाओगे, यही कथन सारा वाम कहे अगर फिर से याद दिखाओगे, सारे भारत की मुट्ठी से मसले जाओगे, जवान खो कसम बांध कर सर पर कफन, मिटाना है उन देश के उजाड़ने वालों को, बताना है उन देश के गद्दारों को, दुश्मन का निशाना चाहे कश्मीर हो या हिंद, भारत माँ का हर सिपाही गर्व से बोलेगा जय हिंद। शालीनता का अफसोस हुआ है लाचारी की छाती पर, शालीनता का अफसोस हुआ है लाचारी की छाती पर, दुश्मन नंगा नाच रहा है भारत माँ की छाती पर, ये हिंदुस्तान वालों इन हमलों को क्यों खाने देते हैं, आतंकी बाज मारकर अपना साथी जोड़ लेते हैं, ये पाकिस्तानी क्या कहते हैं, ये पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हमें चीनियों से मरवाएंगे, इन चीनियों की क्या मजल, हम तेजाब पानी में घोल कर पी जाएंगे, धन्यवाद।